अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है फ़ोन मास्टर की पूरी जो सेटिंग है वो आप दिखाने जा रहा हूं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मेरे चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जब आप फोन मास्टर को ओपन करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने शो होती है। एक यहाँ पर एक्सेप्ट वाला आता है, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन बार में ये क्लीन बूस्ट कू बैटरी एंड डेटा का ऑप्शन है वो शो होता है। उसके अलावा यहाँ पे टूल बॉक्स में आपको बहुत सारे फीचर्स नज़र आ जाते हैं। मी में आपको सेटिंग वगैरह करने की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे जो छह बड़े ऑप्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पे जंक फाइल्स है जो कि आपके मोबाइल से टेम्प्रेरी फाइल्स को रिमूव करता है। CPU कूलर है, आई डोंट थिंक ये काम करता है, लेकिन फोन बूस्ट आपकी रैम को क्लियर कर देता है। एंटीवायरस देखता है कि कोई हार्मफुल चीज़ आपके मोबाइल में है या नहीं है। पावर सेविंग में ये कोई आपकी ऐप्स जो है उनको बैकग्राउंड से ख़त्म कर देता है। डाटा मैनेजर में आपको बताता है कि आपका जो डाटा कितना यूज़ हुआ है। ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं आप अपनी मोबाइल जो एप्लीकेशन उनको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा क्लीन व्हाट्सएप मैसेज सिक्योरिटी ये सारे इसमें फंक्शन पाए जाते हैं। तो की बेस्ट पॉसिबल सेटिंग कौन सी कर सकते हैं फोन मास्टर। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो कहता है कि ये ऐप है, इसको पहले स्कैन करता है वो सारी चीज़ें। ये आज सारी बंद करेंगे आप बिल्कुल क्लीन, और जैसे जिस तरीके से आप किसी भी दूसरी ऐप को यूज़ करते हैं उस तरीके से आप फोन मास्टर को यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपने जो जो चीज़ें करनी है कि सबसे पहले आपने सेटिंग्स में चले जाना है। जो सारी चीज़ें हमने करनी है सेटिंग्स वगैरह वो यहाँ पर ही करनी है। सबसे पहले आपने एंटीवायरस जो है ऐप इंस्टॉल सिक्योरिटी स्कैन इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा विजिट इन नोटिफिकेशन बार, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो ठीक, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इसको ये टर्न ऑफ कर देना है और ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर डाटा यूजेज नोटिफिकेशन पे आपको जो स्टेटस बार है यहाँ पे आपको अगर स्पीड जो है नेट की शो करवाना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से यस कर सकते हैं। उसके अलावा रिमाइंडर जो है कि आपकी फाइल जो है वो क्लीन करने के लिए रहती हैं, अगर आप वो ऑन करना चाहते हैं तो ये, अगर इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली इसको ऑफ ही रखता हूँ। इन सारी सेटिंग के अलावा फ़ोन मास्टर आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजता है, तो उन सारे नोटिफिकेशन को भी आपने ऑफ़ करना है। उसके लिए इसके लॉन्ग प्रेस के ऊपर करें और फिर एप्लीकेशन डिटेल्स में जाएँ, फिर नोटिफिकेशन में जाएँ और यहाँ से शो नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ कर दें। तो जो भी आपको फ़ोन मास्टर नोटिफिकेशन भेजता है वो नहीं भेजेगा। अब फ़ोन मास्टर की आपकी बेस्ट पॉसिबल सेटिंग जो है वो हो चुकी है। फ़ोन मास्टर आप जब भी यूज़ करना चाहें आपको ऐप में जाके उसको यूज़ पर रहेंगे। उसके अलावा फ़ोन मास्टर आपके बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप फ़ोन मास्टर को बेस्ट पॉसिबल तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए ताड़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।